हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। आज मैं चार तरह से दाल को बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, तो जल्दी से चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसूर की दाल को बनाएंगे। दाल को धोकर नमक हल्दी डाल के और दो सीटी आने तक इसको पका लेंगे। दाल को हमने बनाकर तैयार कर लिया है, अब इसमें हम तड़का लगा लेंगे। तो इसके लिए हमने सरसों का तेल गर्म किया है, तो तेल गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम 5 फोरन डाल देंगे, फिर इसमें 3-4 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, 1 तेजपत्ता डाल देंगे और बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो देखिए, नमक हल्दी डालकर हमने दाल को उबाल कर रखा हुआ है। प्याज को हम हल्का लाल होने तक फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें हम दाल को डाल देंगे। दाल अगर ज्यादा गाढ़ी है तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें हम चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद जैसे ही एक उबाल आएगा तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए, एक उबाल आ गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। हमारा दाल बन चुका है और ये देखने में बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन खाने में ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अगली दाल रेसिपी भी हम मसूर दाल से बनाएंगे, तो इसके लिए हम कच्चे आम का यूज करेंगे। दाल को धोकर नमक हल्दी डाल के और 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम सरसों के दाने डाल देंगे। सरसों के दानों को थोड़ा हम चटकने देंगे, उसके बाद इसमें हम बाकी चीजें डालेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च और 1 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें कच्चे आम के कुछ टुकड़े जिसको हमने काट कर छील कर रखा है इसे डाल देंगे। तो कच्चा आम डालने से दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसमें 1/2 छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे और नमक इसमें अंदाज से डालें, क्योंकि दाल में भी नमक है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे ताकि आम थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ये आम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम उबली हुई दाल डाल देंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हम चीनी डालेंगे ताकि दाल का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए और इसे 5 मिनट तक हम ढककर पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद दाल देखिए बिल्कुल अच्छे से हो चुका है और आम भी हो चुका है, और गर्मियों के दिन में इस तरह की दाल खाना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हमारी तीसरी दाल रेसिपी चने की दाल है और इस दाल को हमने 1/2 घंटे तक भिंगा कर रख दिया था। तो देखिए, ये ऐसे भींग चुकी है और इसको अब हम नमक हल्दी डालकर 3 से 4 सीटी लगाएंगे। तो 3 से 4 सीटी लगाकर इसको हम बना लेंगे। तो चने दाल को देखिए हमने उबाल कर रख दिया है और इसको देखिए ऐसे ही उबालना है। ये अच्छे से पक गया है, लेकिन ये सारे दाने इसके अच्छे से दिख रहे हैं। तो इसी तरह की दाल बनानी है, उसको बिल्कुल बारीक पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। तो इसी तरह का दाल हम तैयार कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने सरसों का तेल इसमें डाला है। इसमें 1/2 छोटी चम्मच हम जीरा डाल देंगे, 2 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, 1 तेजपत्ता डाल देंगे और इसमें 2 से 3 बड़े साइज के प्याज काट के डाल देंगे। तो इसमें थोड़ा ज्यादा प्याज डालने से दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज को देखिए हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब इसमें 1 टमाटर डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और दाल में भी नमक है इसलिए नमक थोड़ा अंदाज से डालें। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच हम कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। अगर आपको तीखा ज्यादा चाहिए तो थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च भी साथ में डाल सकते हैं। टमाटर और अदरक अच्छे से फ्राई हो गया है और गल भी गया है, अब इसमें हम उबला हुआ दाल डाल देंगे। दाल अगर आपको गाढ़ी लगे तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये दाल हल्की गाढ़ी बनती है, एकदम पतली नहीं बनती है, क्योंकि इसको आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं, तो थोड़ी गाढ़ी दाल ही इसमें अच्छी लगेगी। अब दाल में एक बार अच्छे से उबाल आ जाने देंगे।
दाल में उबाल आ गया है, अब इसमें हम एक छोटी चम्मच चीनी डाल देंगे और इसमें गरम मसाला डालेंगे जिसमें ड्राई रोस्ट किया हुआ लौंग, दालचीनी और इलायची है। तो इसको अच्छे से पाउडर बनाकर हमने रख दिया है और जब भी हमें जरूरत पड़ता है इसे ही हम यूज करते हैं। गरम मसाला डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको और हम उबाल लेंगे। 2-3 मिनट हमने इसको उबाल लिया है, अब हमारा चने का दाल बिल्कुल बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको आप चावल या पूरी के साथ खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चना दाल भी बन चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट दाल रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अरहर की दाल यानी तुअर की दाल और साथ में थोड़ी सी मसूर की दाल, इसको मिक्स करके हम इसका एक दाल फ्राई बनाएंगे और इसको हमने आधे घंटे तक भिंगा लिया था। अब इसमें नमक हल्दी डालकर हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। 3-4 सीटी लगा कर हमने दाल तैयार कर ली है। तो तुअर की दाल में हल्का सा मसूर दाल डालने से ये जल्दी पक जाता है और अच्छे से गल भी जाता है। तो देखिए अच्छे से गल गया है। अब चलिए दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो सरसों का तेल हमने गर्म कर लिया है, तो इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें सरसों के दाने डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें जीरा भी डाल देंगे, चुटकी भर इसमें हम हींग भी डाल देंगे और 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज भी डाल देंगे। प्याज को 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। थोड़े से करी पत्ते भी इसमें डाल देंगे। दाल को हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अब इसमें हम एक बड़ा टमाटर डाल देंगे, प्याज के क्वांटिटी के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, आप चाहें तो तीखी लाल मिर्च भी इसके साथ डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। अगर टमाटर अच्छा से नहीं गला है तो 1-2 चम्मच करके पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से गला लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से गल गया है और फ्राई भी हो चुका है। अब इसमें हम दाल को डाल देंगे। अब दाल में हम एक उबाल आने देंगे। तो दाल में देखिए अब उबाल आ गया है। तो दाल बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस को ऑफ कर देते हैं। कभी कभी गर्मियों में हरा धनिया मिलता नहीं है तो सिर्फ करी पत्ता से भी दाल फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, 4 तरह की ये दाल फ्राई रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।